दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे YouTube चैनल टॉपर स्टिक पर। दोस्तों जैसा मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके लिए सारे ही क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है रेलवे ALP में जो अभी पूछा गया है 9 तारीख को ख़त्म हुआ है वो सारे शिफ्ट का जो क्वेश्चन है कोशिश करूँगा कि आपके पास मैक्सिमम क्वेश्चन आप तक पहुँचा सकूँ, तो वो मैं लेकर के आया हूँ। तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो के साथ बने रहिएगा क्योंकि ये पूरा क्वेश्चन लगभग है, तो इस वीडियो के साथ आप लोग बने रहिएगा और अंत तक। और आप लोग देख लीजिए, अगर एग्ज़ाम देने जाने हैं तो एग्ज़ाम से पहले ये क्वेश्चन जानना और ये देखना आपके लिए बेहद ज़रूरी है कि किस तरह का क्वेश्चन आया था। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो के साथ बने रहिएगा, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए विजिटर हैं तो प्लीज़ आपकी वीडियो के ठीक नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा तो उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। एक चीज़ मैं और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी मेरी जो साउंड की क्वालिटी है वो सही नहीं है क्योंकि मैं अभी उठा हूँ और रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, तो प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा आप लोग। तो पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्योंकि लंबा क्वेश्चन है, तो पहला देख लेते हैं। पहला जो लिखा हुआ हैप्पीनेस इंडेक्स रैंक ऑफ इंडिया, तो इसका जो सही आंसर है वो 133 है, एग्जाम वॉरियर्स बुक रिटन बाई, तो ये PM नरेंद्र मोदी ने लिखा था, आप देख सकते हैं यहाँ पे। द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स, ये न्यूटन के सेकेंड लॉ के द्वारा कहा जाता है फोर्स। उसके बाद है इन इंटीरियर फ्रीक्वेंसी ऑफ AC मेनिस, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 50 हर्ट्ज। वॉट इज़ द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन एक्चुअली में होता है चेंज इन जो स्पीड होती है और उसको डिवाइडेड बाई टाइम स्क्वायर, तो जो इसका फार्मूला होता है वो वी डेल वी होता है और टी स्क्वायर, तो ये होता है। उसके बाद व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ एनर्जी, तो आप लोगों को पता ही होगा जूल होता है। उसके बाद सातवें क्वेश्चन की तरफ देख लें तो यह है कि व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस, यानी जो अवरोधक है उसका क्या होता है SI यूनिट, तो ओम होता है। न्यूमेरिकल ऑन वर्क डन, न्यूमेरिकल पे एक वर्क डन जो था उस पर एक न्यूमेरिकल था। व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, तो आपको ये पता है NaCO3। उसके बाद हु डिस्कवर्ड DDT, तो ये भी आपको पता ही होगा क्योंकि बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, हम लोग हमेशा शुरू से ही पढ़ते हुए हैं, पॉल हर्मन मुलर। उसके बाद ये दो क्वेश्चन था जो केमिकल फार्मूला से पूछा गया था। उसके बाद ये बारहवां का देख लीजिए, फ्यूज़ वायर इज़ मेड ऑफ विच मटेरियल, तो इसका भी सही आंसर है वो कॉपर, कॉपर का बना होता है फ्यूज़ वायर। उसके बाद हम देख लें यहाँ तो पॉन्ड सिल्क को किस नाम से जाना जाता है, तो वाटर सिल्क, उसे वाटर सिल्क भी कहते हैं। और उसके बाद ट्रेन मैथ से दो क्वेश्चन आया था और वो ट्रेन पर रिलेटेड था, जो स्पीड एंड ट्रेन पर होता है। उसके बाद प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, तो इंग्लैंड में होता है। उसके बाद मलेशिया की कैपिटल, तो कुआलालंपुर है। उसके बाद आप 17 का देख, मतलब अब मैं आपको ये कोशिश कर रहा हूँ कि आप क्वेश्चन देख लें, क्वेश्चन का पैटर्न देख लें कि क्वेश्चन किस तरह का रहेगा, ताकि अगर आप अगले एग्जाम देने वाले हैं और बैठने वाले हैं तो आपको आइडिया मिल जाए कि मेरा जो क्वेश्चन है वो इस तरह का आने वाला है। और सेम पैटर्न रहा है तीनों शिफ्ट में, कल जो है ना क्वेश्चन का सेम पैटर्न रहा है। अगर कहीं RBC से पूछा है एक शिफ्ट में, तो अगले शिफ्ट में जो है वो WB से पूछा गया है। अगर कहीं पर वर्क का यूनिट पूछा गया तो कहीं पर आपको पावर का यूनिट पूछा गया, आप देख भी सकते हैं। उसके बाद 17 नंबर का क्वेश्चन है, बिग फिल्म कौन सा है, तो वो आपको बताना है। यूनिट ऑफ पावर वॉट नोवल ऑफ लिटरेचर, ये 2017 का है, आप पूछा गया है क्योंकि आपको पता है 2018 में जो नोवेल ऑफ लिटरेचर है वो कैंसिल कर दिया गया अवार्ड, तो 2017 में जो मिला था वो काजो इशिगुरो को मिला है। उसके बाद नागालैंड चीफ मिनिस्टर, ये इसलिए पूछा गया क्योंकि नागालैंड में एक राइट्स हुआ था जिसके बारे में काफ़ी चर्चा हुई देश में, तो उसके जो चीफ मिनिस्टर हैं फिलहाल अभी निफ्यू रियो है। RBC ब्लड्स, यही पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में, ये पूछा गया था। RBC ब्लड्स लाइफ साइकिल पूछी गई थी, वो आपको 120 दिन होता है। मैंने कोशिश करी है कि ज़्यादा से ज़्यादा का आंसर दे पाऊँ क्योंकि मैंने अभी सुबह उठाया और सुबह ही सारा ये क्वेश्चन मैंने कलेक्ट किया है और बनाया है, तो इसलिए मैंने सारे क्वेश्चन के आंसर तो यहाँ पर नहीं दे पाया हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाता आप तक लोगों तक वीडियो पहुँचाने में। और मैं चाहता था कि आप लोग वीडियो देख लें ताकि आपका जो शिफ्ट शुरू होने वाला है 10 बजे से, तो वो आप लोग दे पाए अच्छे से ताकि आपको क्वेश्चन का आइडिया हो जाए। इसलिए मैंने सिर्फ क्वेश्चन लेकर के आया हूँ कि इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप देख लीजिए क्वेश्चन जल्दी जल्दी। 22वें नंबर का क्वेश्चन आप देख सकते हैं, विटामिन ई का केमिकल नेम, ये आप बहुत सारे लोगों को पता ही होगा, ट्रांसफार्मर AC या DC, तो आपको पता है AC होता है। ब्लड प्रेशर वॉल्यूम क्या होता है, नॉर्मल आपको पता है 120/80 होता है। फूलों का रंग किसके कारण जाता है, ये आप लोग देख लीजिएगा। विच गैस रिलीज व्हेन ब्लीचिंग पाउडर डिसॉल्व इन वाटर, मैंने कहा था कि ब्लीचिंग पाउडर से क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये ब्लीचिंग पाउडर से पूछा गया था। अब यहाँ पर देख लीजिए, कौन सा धातु चाकू से काटा जा सकता है, ये भी आपको पता ही होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, केमिस्ट्री का है। एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी, ये भी पता ही होगा, आपको पता है चेचक की खोज की, उनकी चेचक के टीके की खोज की थी। मैं कुछ का बताता जाऊंगा, कुछ का नहीं बताऊंगा, तो आप लोग इसके लिए परेशान मत होना क्योंकि यहाँ पे लंबा टाइम में लग जाएगा अगर ये पूरा मैं बताऊंने लगूँ तो। और देख लीजिए, प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, ये भी आपको पता ही होगा, हमारे जो प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं, उस प्रेसिडेंट ऑफ ओलंपिक एसोसिएशन, ये इंडिया के ओलंपिक एसोसिएशन का पूछा गया था, तो ये भी आपको पता ही होगा। इलाहाबाद के MD कौन है, ये भी आपको पता है, इलाहाबाद के MD जो है उषा है, उषा सुब्रमण्यम।
उसके बाद मैं एक चीज़ और बता दूं कि कोलकाता नाइट राइडर्स के मालिक कौन है, ये देखने बड़ा कॉमन सा सवाल पूछा है। तो आपको पता है कि जो शाहरुख खान है एसआर के वो हैं। और उसके बाद एक सवाई सामने ये रीजनिंग का क्वेश्चन था, आप थोड़ा देख लीजिएगा डाउट करके। चेयरपर्सन ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ये अरविंद सुब्रमण्यम थे, जिन्होंने अभी हाल ही फिल्म में ये किया है, रिजाइन किया है, तो ये आपको पता होना चाहिए। पाकिस्तान इंडिया कौन सी संधि से अलग हुआ था, ये देखिए। अब इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा गया, कर्नाटका के राज्यपाल कौन है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। आपको पता है क्यों? क्योंकि वहाँ पे काफ़ी हंगामा हुआ था, अभी आपको पता है वहाँ पे जो सीएम, नई सीएम की अपॉइंटमेंट को लेकर के हंगामा हुआ था कर्नाटका के राज्यपाल, इसलिए वहाँ पे ये पूछ दिया गया है। बाचूभाई वाला है वो आपको पता ही होगा। आर्थिक सलाहकार कौन है, ये भी आपको पता है। आर्थिक सलाहकार अभी ये फिलहाल ब्लीचिंग पाउडर और वाटर के रिएक्शन से कौन सा गैस, ये मैंने लग रहा है दोबारा लिख दिया है, तो प्लीज़ माफ़ करिएगा। और 40वां नंबर का देख लीजिए, बाबा रामदेव किस राज्य के योग बनाने मिनिस्टर हैं, तो आपको पता है हरियाणा के हैं, वो 2015 में बनाए गए थे। मेटल प्लस एडीज, इसका क्या रिएक्शन होगा। एक बार जीएसटी लाने वाला कौन सा, मतलब पहली बार जो जीएसटी लाया था वो कौन सा देश है, तो आपको यहाँ पे वो थोड़ा सर्च कर लेना है, देख लेना है। किस मुख्यमंत्री के पिता महाराजा थे, मैं बता दूँ, ये क्वेश्चन के बारे में बहुत सारे लोगों ने पूछा, कमेंट करके भी पूछा था। तो इसके जो अमरिंदर सिंह सही आंसर है, पंजाब के सीएम है अभी, और उसके पिता जो थे वो पटियाला के महाराजा थे। उसके बाद में बात कर लूँ ब्लीचिंग पाउडर के साथ वाटर मिलने पर, ये भी लग रहा है मैंने बार बार लिख दिया। पौधे के तने के बनने कौन सा सहायक होता है, ये मैंने प्लांटेशन के बारे में बताया था, उससे क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे ये है ओलंपिक 2016 कहाँ हुआ था, ये आप पता ही होगा। उसके बाद है पैरालंपिक में खेलने वाले किस प्लेयर का पद्मश्री किसने दिया गया है, किस मुख्यमंत्री के पिता महाराजा थे, ये भी 2017 का व्यापार सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो ये भी देख लीजिए। उसके बाद इस तरह से क्वेश्चन था, तो ये सारे क्वेश्चन थे इस तरह से। आप लोग अगर पूरे क्वेश्चन को नहीं देख पाए हो तो प्लीज़ वीडियो पॉज करके भी देख लेना, लेकिन इसकी बिल्कुल मत करना, क्योंकि आपको आइडिया मिल जाएगा कि क्वेश्चन किस तरह का आने वाला है, और आप अपनी जो है तैयारी अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि आपका जो आज का शिफ्ट है वो 10 बजे से शुरू होगा पहला शिफ्ट। तो प्लीज़ अपने लोग तैयारी पे ध्यान दे दीजिए, और इस तरह के क्वेश्चन मैं कोशिश करूँगा कि आज की शिफ्ट जो है उसका भी सारे क्वेश्चन और एनालिसिस लेकर के आऊँ। तो प्लीज़ एक बार रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग वीडियो सब्सक्राइब कर, सॉरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए। आप लोगों ने वीडियो देख लेते हैं लाइक नहीं करते, तो प्लीज़ एक लाइक कर दिया करिए, ताकि वीडियो जो है और लोगों तक जाए। और चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सारा ही क्वेश्चन जो एग्ज़ाम होगा सारे ही एग्ज़ाम का मैं क्वेश्चन लेकर के आऊँगा, ताकि आप लोगों तक वो सारी जो कन्फ्यूज़न है और आप लोग अच्छे से तैयारी कर सके अपने अगले शिफ्ट या अगले एग्ज़ाम के लिए। तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आई होप कि ये वीडियो पसंद आया होगा आप लोगों को, तो थैंक यू वेरी मच।